हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने सुना है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पैसे कमा नहीं सकता हूँ। तो इन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आप पढ़े लिखे नहीं हो, नो प्रॉब्लम, मगर आपके पास एक ऐसी खूबी होगी जिसको आपको पहचानना पड़ेगा, और सबके अंदर ऐसी खूबी होती है। तो खैर, ये सब बातें छोड़कर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी आप 30 से 40 हज़ार रुपये हर महीना कमा सकते हो, बस आपके पास गाड़ी चलाने का टैलेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में ओला कैब के बारे में बताने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं कुछ आपसे अहम बातें करूंगा, जैसे कि ओला कैब क्या है, ओला कैब से अपनी कार कैसे अटैच करें, और ओला कैब से पैसे कैसे कमा सकते हो, और अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है फिर भी आप ओला कैब में कैसे काम कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ओला कैब क्या है। ओला कैब की स्थापना 3 दिसंबर 2010 को भाविश अग्रवाल ने की थी, और कैब निर्माण करने से पहले भाविश अग्रवाल ने यह सोचा था कि इंडिया के लोगों को ट्रैवलिंग के लिए ऑटो, बसेस और ट्रेन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, तो हम ऐसा क्या करें कि लोगों की ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तब उनके दिमाग में यह तकनीक आई और उन्होंने ओला कैब का निर्माण किया और ola.com ऑनलाइन वेबसाइट बाय कर ली, और अभी तक ओला कैब ने 110 शहरों में 6 लाख से भी ज्यादा वाहनों का नेटवर्क बना लिया है। सबसे पहले ओला कैब का मेन ऑफिस मुंबई में था, मगर अभी वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया है। ओला कैब के छोटे छोटे ऑफिसेस अपने घर के नजदीकी जगहों में मौजूद है। ओला कैब में अपनी कार कैसे अटैच करें? ओला कैब में बिजनेस करने के लिए आपके पास एक अच्छी कंडीशन में कार होनी चाहिए। अगर आपके पास कार नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, मगर उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, आपको सबसे पहले आपके शहर में उपलब्ध ओला कैब के ऑफिस में जाना होगा, या फिर चाहे तो आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो और ऑफिस कहाँ है इनकी जानकारी ले सकते हो। स्टेप 2 यह है कि आपको आपके दस्तावेजों की हर एक कॉपी कंपनी को देनी पड़ेगी, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड। थर्ड स्टेप यह है कि आपको अपनी कार का फोटो या फिर फिजिकली कार को ऑफिस में लेकर जाना पड़ेगा, और वहां पर वो लोग चेक करेंगे कि आपकी कार अच्छी कंडीशन में है कि नहीं, इसलिए आपकी कार अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। यदि आपके गाड़ी का सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी आपको एक मोबाइल फोन और डेटा प्रोवाइड करेगी। इसके बाद ओला स्टाफ के द्वारा कार ओनर को सब गाइडलाइंस बता दिए जाएंगे। अभी यह सब होने के बाद आप ओला कैब में ड्राइविंग करना चालू कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। मगर ये बात हुई जिसके पास कार है उसकी। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जिसके पास खुद की गाड़ी है और वह अपनी गाड़ी को ओला कैब में लगाना चाहता हो, तो आप उसकी गाड़ी चलाकर पैसे कमा सकते हो। बाद में उन पैसों को दो हिस्सों में बांटकर दोनों खुश रह सकते हो। ओला कैब में आप कितने पैसे कमा सकते हो? देखो दोस्तों, ओला कैब में आप महीने के 15,000 भी कमा सकते हो और 50,000 भी कमा सकते हो। सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने पिकअप और ड्रॉप ले रहे हो, और आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा पैसे आप कमा सकते हो। चलो इसको हम लाइव एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। अभी के टाइम में ओला कैब 6 से 8 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करती है। अगर आप दिन भर मिनिमम 300 किलोमीटर भी अपनी गाड़ी चला लेते हो तो आप 1,800 से 2,400 रुपए कमा सकते हो। अभी ऐसा मान लेते हैं कि 1,800 में से 600 रुपीज का पेट्रोल भरने के लिए गए, तो अभी तक आपकी कमाई हुई 1,800 माइनस 600 रुपीज, तो 1,200 रुपए आपने एक दिन की मिनिमम कमाई कर ली है। तो इस हिसाब से आपकी एक महीने की कमाई होती है 1,200 × 30 डेज, तो 36,000 रुपीज आप एक महीने के ओला कैब के जरिए कमा सकते हो। अगर दो आदमी एक गाड़ी को दिन रात चला रहे हो तो आप महीने में 60,000 रुपए दोनों आराम के साथ कमा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप ओला कैब में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो तुरंत अपने नजदीकी ओला कैब के सेंटर में जाने की तैयारी कीजिए, मगर हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ शंका है, कुछ प्रश्न है, आप हमें कमेंट के द्वारा सूचित कर सकते हो। हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए 24 घंटा तैयार है।